और आपको बताएं कि सदर ममलकत की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने फारूक नसीम का बतौर वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 26 नवंबर से होगा। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर फारूक नसीम का बतौर वजीर कानून और इंसाफ इस्तीफा मंजूर किया। ख्याल रहे कि फारूक नसीम के मुस्ताफी होने के बाद वफाकी काबीना अराकीन की तादाद 49 से कम होकर 48 जबकि वफाकी वजरा 25 से कम होकर 24 रह गए हैं। हुकूमती वजराए मुमलिकत 4, मुशीर 5 और वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी की तादाद 15 है। याद रहे फारूक नसीम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरवी करने के लिए गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था।